जब सूरज की यूवीबी किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो कोशिकाएं विटामिन डी बनाने लगती हैं। कोशिकाओं में बना विटामिन डी इनएक्टिव होता है, जो किडनी और लिवर में जाकर एक्टिव फॉर्म में बदलता है। इसलिए अगर आप अपने विटामिन डी की आवश्यकता को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप अपने नाभि और पेट के हिस्से को खुला रखें और इस पर सूरज की रोशनी पड़ने दें। वैसे तो आपके शरीर का जितना ज्यादा हिस्सा खुला होगा, आपके विटामिन डी की जरूरत उतनी ही जल्दी पूरी होगी। लेकिन ऐसा करना महिलाओं के लिए पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए वो सफेद कपड़े पहन सकती हैं। डार्क स्किन कलर के लोगों को लाइट स्किन वालों से ज्यादा देर तक धूप में बैठना पड़ता है। इसके अलावा ज्यादा वजन वाले लोगों के शरीर में भी पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बनने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए उनको भी देर तक धूप में बैठना पड़ता है। अगर बात करें टाइमिंग की, तो सबसे ज्यादा विटामिन डी दोपहर के समय मिलती है, लेकिन दोपहर के समय धूप में निकलना अनकंफर्टेबल हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने डेली एक्सरसाइज सूरज की रोशनी में करें। इससे एक्सरसाइज और विटामिन डी दोनों की डोज आपको एक साथ मिल जाएगी। क्या आपको पता है कि भारत में हर रोज 250 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हो जाता है? इसके बारे में और जानने के लिए ये वीडियो देखें।